Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website edurizeindia.com to join our live classes. Hello and welcome to Edurize India. Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from IIIT Allahabad. Dear student, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक का फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया और उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड था, एक रेट ऑफ अपीयरेंस पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पर मोल, और उसको फिर दूसरे मेथड से हम लोग डिफाइन किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म में. और स्टूडेंट, हम लोगों ने उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किया था. आई होप सो को वो सारे क्वेश्चन आपने जब अटेम्प्ट लिया, सॉल्व किया होगा, तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. अब इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर थ्री में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को जिस तरीके से हम लोग डिफाइन किए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको प्रोसीड करेंगे. ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इस पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे. ठीक है, चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन आप लोग अच्छा से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना और अपने से अटेम्प्ट लेना, सेल्फ उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. सॉल्व हो गया तो इससे अच्छी बात क्या होगी, अगर नहीं सॉल्व हुआ तब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना और सॉल्यूशन देखकर सीखना कि आखिर मैंने कहाँ गलती किया था, क्यों हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. तो पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, समझो अच्छी तरह से. क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है. रिएक्शन क्या है बच्चों, 2a plus b gives you c plus d. ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, वेयर r इज द रेट ऑफ रिएक्शन, k रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको और हम लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन से भी हम लोग इसको जानते हैं. कंसेंट्रेशन ऑफ a का पावर 2 यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी 1 है. अगर इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीजेस. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसेंट्रेशन मींस कि मोलारिटी डिक्रीज करेगा, तो मोलारिटी अगर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा. तो कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है. चलिए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपका दिया हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन सपोज दैट इनिशियल क्या है, आर वन इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 कंसेंट्रेशन ऑफ बी और रेट कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे हम तो जो रेट कंसेंट्रेशन है वो कितना टाइम से डिक्रीज करेगा, ए बाई 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा और ये भी बी बाई 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. अगर मान लीजिए वॉल्यूम 1 है इनिशियली, तो ए बाई 1 बी बाई 1 3 टाइम्स हो गया, तो 1 लीटर से 3 लीटर, ए बाई 3 बी बाई 3. और ये क्या है, मोलरिटी है. अब मोलरिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं मोलरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलारिटी. तो चलिए, रेट, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के ए बाय 3 का पावर 2 और बी बाय 3 का पावर 1. इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, आर टू इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 1 और डिवाइडेड बाय 27. तो आर वन बाई आर टू कितना हो जाएगा, आर टू बाई आर वन, ये हो गया के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर
concentration of B divided by 27 or K concentration of A का square और concentration of B, जहाँ ये R1 है और ये R2 है, ये और ये cancel हुआ, तो R2 by R1 equal to 1 by 27, तो R2 कितना हो जाएगा, initial rate का 27 times decrease कर जाएगा, इसमें answer कौन सा होगा, decreases 27 times, समझ में आया बच्चों, अच्छी तरह से समझना आप लोग, क्योंकि इसी पर बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बच्चों देखो एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिएक्शन है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3 इज हैपनिंग अंडर अ सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ 10^-3 किलोग्राम पर आवर, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, किस रेट से H2 डिसअपीयर होगा, वो रेट कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पर मोल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पर मोल क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए उस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 रेट क्या हो गया, माइनस डी ऑफ N2 बाई dt इक्वल टू माइनस 1/3 डी ऑफ H2/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पर मोल इक्वल टू, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन यहां इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3/dt, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर्मेशन, दैट मींस कि ये आपका दिया हुआ है 10^-3 किलोग्राम पर आवर दिए हुए हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना होगा, तो आप इसको और इसको इक्वेट करो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डी ऑफ H2/dt इक्वल टू 3/2 इंटू डी ऑफ NH3/dt, और इसका वैल्यू दिए हुए हैं, वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 3/2 इंटू 10^-3 किलोग्राम पर आवर, मीन्स कि एक 1 आवर में इतना किलोग्राम डिसअपीयर हो रहा है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 × 10^-3 किलोग्राम पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पर मोल, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझोगे समझना तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग वैसा रिएक्शन डील करेंगे जो वन डायरेक्शन हो, मींस कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मींस कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो खत्म होगा,
रिएक्टेंट का अमाउंट खत्म होगा, मींस कि डिक्रीज करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। तो जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे और एक्सप्रेशन निकाल के हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ये आपका दिया हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट 2 है, 2A है, डिकम्पोज कर रहा है किसमें, बी प्लस 3C में। तो K1, K2 और K3 में क्या रिलेशन होगा वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस पर मोल और अपीयरेंस पर मोल। तो चलिए लिखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस तरह से -1/2 dA/dt इक्वल टू प्लस dB/dt इक्वल टू 1/3 dC/dt। अब यहां बच्चों दिए हुए हैं -dA/dT का वैल्यू दिया हुआ है, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो यहां हम पुट करेंगे 1/2 K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, dB/dT दिए हुए K2 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 1/3 K3 कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। और इसी एक्सप्रेशन से हम लोग K1 K2 और K3 का में क्या रिलेशन है वो ना हम लोग निकालेंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया K1/K2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3/3। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3K1 इक्वल टू 6K2 इक्वल टू 2K3। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। तो बच्चों अच्छी तरह से समझे, समझ में आया सॉल्यूशन कैसे इसको बनाए, हम कैसे प्रोसीड करें कि फाइनल हमको रिलेशन मिल जाए K1 K2 और K3 में, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़े, समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मैंने दिया है द रेट लॉ एक्सप्रेशन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर एम। एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल ऑर्डर एन प्लस एम। अब यहां से टर्म एंड कंडीशन स्टार्ट हो रहा है कि ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड डिक्रीज जिंग द वॉल्यूम ऑफ बी टू हाफ द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों यहां कंसेंट्रेशन तो सीधे सीधे दिए हुए हैं कि ए का डबल हो रहा है, लेकिन यहां बी का जब वॉल्यूम हाफ होगा तो उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका भी कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे R1 इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के रेट कांस्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन और कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर एम। और जब रेट कंसेंट्रेशन ऑफ ए जस्ट डबल एंड वॉल्यूम ऑफ बी हाफ, तो उस कंडीशन में जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन R2 होगा वो क्या हो जाएगा, के कंसेंट्रेशन ऑफ 2A का पावर N और 2B का पावर M। तो इसको लिख सकते हैं हम के A का पावर N और B का पावर M और 2 का पावर N प्लस M। अब ये अर्लियर न्यू रेट R2 है और इनिशियल रेट कितना है R1, दैट विल बी इक्वल टू के ए का पावर एन बी का पावर एम टू का पावर एन प्लस एम डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन के ए का पावर एन बी का पावर एम
और ये कैंसिल हुआ, तो R2 टू बाई आर वन का वैल्यू कितना आ गया, 2 का पावर n प्लस m, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड m इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b. तो ये मेरा आंसर होगा. और इसमें चारों ऑप्शन में क्या ये आंसर है, 2 का पावर n प्लस m, तो ये आपका c ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, 2 का पावर n प्लस m. तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जब a डबल होगा और b का वॉल्यूम हाफ होगा तो 2 का पावर n प्लस m हो जाएगा. और ये n प्लस m क्या है, ओवर ऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. तो शानदार क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप लोग अपने से अटेम्प्ट लेना और आंसर सही सही मैच कराना. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर 4. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे. तो चलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, रेट इक्वल टू के ए का पावर ए और बी का पावर बी. ठीक है बच्चों, अब रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 4, 4 से डिक्रीज कर रहा है, आर बाई 4. कब, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी डबल, यानी कि बी का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है. तो चलिए ए के कंसेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ए का कंसेंट्रेशन एज जैसा है वैसे लिख देंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और बी का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, तो 2 बी का पावर बी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही, दैट मीन्स कि बी का वैल्यू निकालना है. तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड कर दो, चाहे इसमें इसको डिवाइड करो, तो हम लोग इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं, आर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू के ए का पावर ए बी का पावर बी और 2 का पावर बी डिवाइडेड बाई के ए का पावर ए बी का पावर बी, ये और ये कैंसिल हुआ, आर आर कैंसिल. तो 2 का पावर बी इक्वल टू 2 का पावर माइनस 2, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, माइनस 2, और ऑर्डर मे बी 0, फ्रैक्शनल, निगेटिव, पॉजिटिव, विच कैन एकोमोडेट एनी वैल्यू, बट मॉलिकुलरिटी एकोमोडेट ओनली होल नंबर. 0 भी नहीं हो सकता है मॉलिकुलरिटी, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, वो नेचुरल नंबर होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 2 माइनस 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 4 इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, तो कितना आएगा, माइनस 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, एनओ प्लस सी एल टू गिव्स यू एनओ सी एल, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट द रेट इंक्रीजेज 8 टाइम्स. चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे. इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो कि एनओ का पावर ए और सी एल टू का पावर बी, जब डबल करेंगे दोनों का कंसेंट्रेशन तो रेट इंक्रीज करेगा 8 टाइम्स, यानी कि रेट हो गया 8 टाइम्स. कब, जब के 2NO का पावर ए और
टू सी एल टू का पावर बी, दोनों का कंसेंट्रेशन डबल कर दिए। अब नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि बट ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली सी एल टू द रेट गेट डबल। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब केवल सी एल टू का कंसेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि 2R हो रहा है, और ये हो गया आपका के एन ओ का पावर ए और सी एल टू टू सी एल टू का पावर बी। अब इक्वेशन ये 1 हो गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हम लोग क्या करेंगे, पहले बी का वैल्यू निकालेंगे। तो 2R में R से डिवाइड करेंगे हम, तो 2R डिवाइडेड बाई R, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सी एल टू कैंसिल हो जाएगा, 2B का पावर 2 का पावर B, R R कैंसिल, तो B कितना आ जाएगा बच्चों 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी एल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, तो 8R बाई 2R, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल, तो 2 का पावर ए और 2 का पावर ए इक्वल टू 2 का पावर 2, ए का वैल्यू कितना आ गया 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ 2 हो आया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी एल टू बी का वैल्यू कितना आया 1। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन के एन ओ का पावर 2 और सी एल टू का पावर 1, वेयर 2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ एंड 1 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी एल टू, एंड ओवरऑल ऑर्डर 2 प्लस 1। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा बच्चों, समझ में आया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये भी। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, समथिंग इज चेंज, तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा जो ये जो है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, या रेट लॉ इक्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हो, समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने और क्वेश्चन डिस्कस किया है और कुछ कंसेप्ट भी दिया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कैसे मैकेनिज्म को हम लोग निकालेंगे, वो सारा डिस्कस हम लोग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो ये क्वेश्चन दिए हुए है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए का कंसेंट्रेशन इतना है, बी टू का कंसेंट्रेशन इतना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना दिया हुआ है। उसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका R इक्वल टू के ए का पावर ए और बी टू का पावर बी। सपोज डैट हम लोगों ने सब माना, सपोज किया। अब एक्सपेरिमेंट वन का डेटा इसमें रखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट वन में रेट है 1.6 × 10⁻⁴। उस समय ए का कंसेंट्रेशन कितना है 0.5 का पावर ए, और बी का कंसेंट्रेशन भी 0.5 का पावर बी। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट जस्ट डबल हो रहा है 3.2 × 10⁻⁴। कब डबल हो रहा है, ए के कंसेंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी 0.5 का पावर ए और ये जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि 1 का पावर बी। चलिए, और रेट 3.2 ही है, 3.2 × 10⁻⁴, कब, जब दोनों
का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि के वन का पावर ए एंड वन का पावर बी, ठीक है। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री। ए और बी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए टू बाई वन करेंगे। इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, तो ये टू बाई वन किए हैं तो इसको इसमें डिवाइड किए हैं तो ये कितना आ जाएगा टू, दैट विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा वन बाई जीरो पॉइंट फाइव, वन बाई जीरो पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा टू का पावर बी, यानी कि टेन बाई फाइव का पावर बी, यानी कि टू का पावर बी, तो बी कितना हो जाएगा बच्चों वन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया किसके रिस्पेक्ट में बी टू के रिस्पेक्ट में, कितना आया वन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी टू। अब इसी वैल्यू को यूज करके हम मुझे निकालना है ए का मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू है, कैसे निकालेंगे चलिए अब इसमें इसमें लेके चलेंगे, तो ये थ्री बाई टू कर दो इक्वेशन थ्री बाई, और देखो कैसे हम लोग को किसमें किसको डिवाइड करें, ये तो आप लोग को जब आप ये इतना इतना सारा लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोग को आइडिया मिलते जाएगा कि इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कौन कौन कैंसिल होगा, कौन बचेगा, कैसे बी निकलेगा, कैसे ए निकलेगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया मिलेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे तो फाइनल टारगेट तक मीन्स कि फाइनल आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन टू वी गेट, इसमें किए तो ये तो वन हो गया और इसमें इसको डिवाइड किए हम तो ये और ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका टेन डिवाइडेड बाई फाइव का पावर ए, के कैंसिल हो गया, रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, समथिंग इज चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 2 का पावर ए इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं 2 का पावर 0, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है 0 और विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है 1, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू के बी टू, ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को मैंने करवाया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, हर एक साल आता है तो कैसे कैसे भी चेंज करेगा, तो ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आप लोग छोड़ना नहीं, और इस पर भी आप ट्विस्ट करेगा ये होगा ये होगा, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक रफ आइडिया आप लोग को मिल गया। इतना सारा क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद इस पर बेस्ड और भी आप लोग पैकेज है, बुक्स है, टेस्ट बुक है, क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करवाए हैं, और प्लस नेक्स्ट जो टॉपिक है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो टॉपिक हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसका बेनिफिट उठाओ भी। और इसके लिए लाइक करना हम लोग का यूट्यूब चैनल जो है, उस पर जो वीडियो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्किल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि मैक्सिमम फ्रेंड आपके इसका बेनिफिट उठाए। और हम लोग का आप एड्रेस जानते ही हो, www.edurizeindia.com, उस पर आप जाओ, हर एक तरह का आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, बायो का मिलेगा, मैथ का मिलेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। Register on our website edurizeindia.com to join our live classes.